हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल ओनली मोटर समाज, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कार्स के। हम तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा की सफारी कार के बारे में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आप टाटा सफारी कार को कितनी कम डाउन पेमेंट करके इसके बेस मॉडल टॉप मॉडल को ला सकते हैं, और साथ ही जानेंगे इस बैग के कार लोन से कि अगले 5 सालों के लिए जो इसके लोन अमाउंट की मंथली ईएमआई बनेगी वो क्या बनेगी। दोस्तों तो पेमेंट से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारी इस वीडियो पर बने रहिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर समाज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों टाटा सफारी का बेस मॉडल, उसका नाम है एक्सी डीजल दोस्तों, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 15,34,900 रुपये, और जिसका आरटीओ चार्ज है न्यू दिल्ली का 1,96,713 रुपये, और इसका इंश्योरेंस है 72,187 रुपये, और इसका जो अदर्स का प्राइस है दोस्तों वो है 15,849 रुपये दोस्तों, और इसका जो ऑप्शनल प्राइस पड़ता है आपको इस कार में वो मात्र 1,500 रुपये पड़ता है। तब जाके इस कार की जो ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली में बनती है वो बनती है 18,19,649 रुपये दोस्तों। टाटा सफारी का जो दोस्तों टॉप मॉडल, उसका नाम है XZ A+ Gold 6 STR 80 दोस्तों, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 23,55,900 रुपये, और जिसका आरटीओ चार्ज है दोस्तों 2,99,338 रुपये, और उसका इंश्योरेंस का जो प्राइस है वो 94,091 रुपये, और उसका जो अदर्स का प्राइस है वो 24,49,69 रुपये है दोस्तों इसकी, और इसमें जो ऑप्शनल का प्राइस इसमें आपको पड़ता है वो 1,500 रुपये पड़ता है। तब जाके जो इस कार की ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली में बनती है वो बनती है 27,73,388 रुपये दोस्तों। दोस्तों एक बार और जान लीजिए, आप हर सिटी का आरटीओ चार्ज अलग होता है, तो आप अपनी सिटी का आरटीओ चार्ज एक बार पता कर लीजिएगा, क्योंकि आरटीओ चार्ज से किसी कार के प्राइस में इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। तो टाटा सवारी एक्सी जो इसका बेस मॉडल है उसमें आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपको 1,82,000 रुपये की मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तब जाके जो आपका लोन अमाउंट बनता है वो बनता है दोस्तों 16,37,649 रुपये आपका दोस्तों लोन अमाउंट बनता है। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे अपनी लोन ईएमआई पर जानते हैं कि इसकी मंथली ईएमआई लोन ईएमआई बनेगी वो क्या बनेगी। आ चुके अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पर आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन की ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है तो हम लोग यहाँ पे कार लोन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और दोस्तों जो हम लोग कार लोन अमाउंट था वो हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो अपने कार लोन अमाउंट जो था 16,37,649 रुपये इसके बेस मॉडल का, वो हम लोग ने यहाँ पे एंटर कर दिया है। और दोस्तों जो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लेके चल रहे हैं वो 8% इंटरेस्ट रेट चलेंगे, क्योंकि जो SBI का इंटरेस्ट रेट होता है वो 7.45 से 8.45 के बीच में होता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट 8% इंटरेस्ट रेट लेके चल रहे हैं। और दोस्तों जो हम लोगों का लोन टेनर, मतलब जो लोन पीरियड होने वाला अगले 5 सालों के लिए होने वाला है, तो अगले 5 सालों में जो इसकी मंथली लोन ईएमआई बनती है दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो मंथली लोन ईएमआई बनती है 33,206 रुपये, और इसमें जो अगले 5 सालों में आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो बनता है टोटल इंटरेस्ट 3,54,688 रुपये। तब जाके जो आपका टोटल पेमेंट बनती है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के वो बनती है 19,92,337 रुपये दोस्तों। और इस लिंक पर जाके इसके टॉप मॉडल की ईएमआई जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।